नमस्कार मित्रों, आज हम लोग प्लेइंग द गेम का सेकंड पार्ट का अध्ययन करेंगे। बट द पुअर ओल्ड जेंटल मैन, लेकिन बेचारे बूढ़े सज्जन आदमी, लीन्ड हेवली ऑन एलन यस स्टर्डी लिटिल आर्म। एलन के मजबूत छोटे कंधे पर जोर से झुके हुए थे एंड टोटर्ड अलॉन्ग लाइक ए बेबी, और एक बच्चे के समान लड़खड़ाकर चल रहे थे। सो स्लोली डिड ही वॉक, इसीलिए धीरे धीरे वो भी चलने लगा। दैट 5 मिनट्स हैड गॉन, जो कि 5 मिनट बीत गए बिफोर दे वर हाफ वे अप द रोड, जो कि वे आधे रोड पर ही पहुँचे थे। मतलब जो है 5 मिनट पहले ही बीत गए जो कि वे आधे रोड पर पहुंचे थे। एलन एक्सप्लेन्ड टू द ओल्ड मैन। एलन ने बूढ़े आदमी से बताया दैट ही वाज ऑन हिज वे टू ए क्रिकेट मैच, कि वह क्रिकेट मैच के खेलने जा रहा था। एंड और दैट ही मस्ट नॉट बी लेट, और उसे देर नहीं होना चाहिए। बट ही सीम्ड नॉट टू हियर हिम, लेकिन वह उसकी बात को सुनाई देते हुए नहीं मालूम होता था। लेकिन उस बूढ़े आदमी को ये बात सुनाई नहीं मालूम होता था कि उसे देर हो रहा है। वेयर डू यू लिव सर, सर आप कहाँ रहते हैं? कॉल्ड एलन एट लास्ट इन द ओल्ड मैन यस ईयर। तो एलन ने बूढ़े आदमी के कान में बताया कि सर आप कहाँ रहते हैं? अप द रोड एंड सम वे राउंड द कॉर्नर, सड़क के ऊपरी भाग पर और कुछ कोने के गोल सर, कुछ रास्ते के गोल हैं, वहीं पर मेरा घर है। ही आंसर्ड इन हिज थिन एंड वीक वॉइस। ही आंसर्ड, वह उत्तर दिया इन हिज थिन, पतली एंड वीक वॉइस, और कमज़ोर आवाज़ में, पतली और कमज़ोर आवाज़ में वह उत्तर दिया। आई शुड बी सो मच ओबलाइज, आई शुड बी, मैं होऊंगा सो मच ओबलाइज, बहुत अधिक आभार, मैं बहुत अधिक आभार होऊंगा। इफ़ यू कुड सी मी होम, यदि तुम मुझे घर पहुंचा दोगे, तो मैं बहुत बहुत आभार रहूंगा। यू लुक ए वेरी काइंड लिटिल बॉय, यू लुक, तुम दिखते हो ए वेरी काइंड लिटिल बॉय, एक बहुत बहुत दयालु छोटे लड़के, तो तुम एक बहुत दयालु छोटे लड़के दिखते हो। सी हिम होम, क्या उसको घर पहुंचा दें? तो एंड, तो लड़का कहता है क्या हम उसको घर पर उनको घर पहुंचा दें। एंड दे वर स्टिल ए लॉन्ग वे ऑफ, तो एंड और दे वर उन्हें अभी स्टिल अभी भी ए लॉन्ग वे ऑफ, एक लंबा रास्ता चलना था, तो और उन्हें अभी भी एक लंबा रास्ता चलना था। इफ ओनली ही कुड वॉक ए लिटिल फास्टर, इफ ओनली, काश ही कुड वॉक ए लिटिल फास्टर, थोड़ा अधिक तेज चलता, काश वह थोड़ा अधिक तेज चलता। वाई, क्यों? द टीम्स वुड बी ऑलरेडी ऑन द फील्ड, क्योंकि टीम मैदान में पहले ही होगी। एंड द कैप्टन, और कप्तान, वुड बी वॉन्डरिंग, आश्चर्य कर रहा होगा, और कप्तान आश्चर्य कर रहा होगा। वाई, क्यों? ही डिड नॉट कम, वह नहीं आया, और कप्तान आश्चर्य कर रहा होगा कि वह क्यों नहीं आया। सडनली, अचानक, द ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी, स्टम्बल्ड ओवर ए लूज पेविंग स्टोन। अचानक द ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी, स्टम्बल, लड़खड़ा गए ओवर ए लूज पेविंग स्टोन, मीन्स उभरे ढीले पत्थर। तो सड़क पर जो उभरे ढीले पत्थर पत्थर था, उस पर जो है बूढ़े आदमी अचानक लड़खड़ा गए। एंड फेल हेवली ऑन द ग्राउंड, और ज़मीन पर जोर से गिर पड़े। डोंट लीव मी लिटिल बॉय, तो लिटिल बॉय, छोटे लड़के, डोंट लीव मी, मुझे मत छोड़ना, तो छोटे लड़के मुझे मत छोड़ना। मरमर्ड द ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी ने फुसफुसाकर कहा या धीरे से कहा। नो,
नहीं आई विल स्टे हियर, नहीं मैं यहीं रहूँगा, मैं यहीं रुकूँगा, सेड एलन। एलन ने कहा एंड ही सैट डाउन बिसाइड हिम, और वह अर्थात एलन जो है उनके बगल में बिसाइड बगल में बैठ गया। फार ही फेल्ट श्योर, क्योंकि वह उसे विश्वास महसूस हुआ, मतलब वह विश्वास किया दैट कि समवन कोई एक उड कम आएगा दैट वे उस रास्ते से, तो कोई उस रास्ते से आएगा सून शीघ्र, कोई उस रास्ते से जल्द ही आएगा, उसे विश्वास था। एलन एलन स्टेयर्ड एनेक्सेसली अप एंड डाउन द रोड ड्यूरिंग द मिनट दैट फॉलोड, तो एलन स्टेयर्ड घूर कर देखने लगा एनेक्सेसली चिंता से अप एंड डाउन ऊपर नीचे द रोड सड़क पर ड्यूरिंग द मिनट उस समय, तो उस समय के दौरान एलन ऊपर नीचे चिंतापूर्वक देखने लगा घूर कर देखने लगा दैट फॉलोड जो उस रास्ते से अनुसरण करते थे आते जाते थे। द मिनट्स वह मिनट आलमोस्ट लगभग सीम्ड लाइक आवर्स घंटों के समान मालूम होते थे, तो वह मिनट घंटों के समान मालूम होते थे। देन तब एट लास्ट अंत में टर्निंग द कॉर्नर कोने पर मुड़ते हुए केम ए जॉली लुकिंग मतलब एक हसमुख पुलिसमैन सिपाही, तो तभी अचानक नहीं तभी अंत में तभी अंत अंत में एक हसमुख सिपाही कोने पर मुड़ते हुए आया। एलन कुड हैव शाउटेड फॉर जॉय, एलन कुड हैव शाउटेड चिल्ला सकता था फॉर जॉय खुशी से, तो खुशी से एलन चिल्ला सकता था आइल सी दिस जेंटलमैन होम लिटिल बॉय, तो वह सिपाही ने कहा आइल सी दिस जेंटलमैन होम, मैं इस सज्जन आदमी को घर पहुंचा दूंगा लिटिल बॉय छोटे लड़के। द पुलिसमैन सेड सिपाही ने कहा कि छोटे लड़के मैं इस सज्जन आदमी को घर पहुंचा दूंगा। बाद में एलन ने बताया व्हाट हैड हैपेंड क्या क्या हुआ था, तो बाद में एलन ने बताया क्या क्या हुआ था। तब एलन रैन ऑफ दौड़ गया एंड फ्लू और उड़ने के समान दौड़ा एज फास्ट उतना तेज एज हिज लेग वुड कैरी जितना उसके पैर उसको ले जा सकते थे टू द स्पोर्ट ग्राउंड खेल के मैदान, तो एलन तेज दौड़ा और उड़ने जैसा तेज दौड़ा उतना तेज जितना उसके पैर उसको खेल के मैदान ले जा सकते थे। बट लेकिन द गेम हैड स्टार्टेड खेल शुरू हो गया था वेन ही अराइव्ड जब वह पहुंचा। वाई क्यों इट्स एलन एलन सेड द टीचर अध्यापक ने कहा हु आज स्टैंडिंग जस्ट इनसाइड द एंट्रेंस जो प्रवेश के द्वार पर अंदर खड़े थे। वो कहे अध्यापक कहे यूर नॉट मच गुड तुम बहुत अच्छे नहीं हो इफ़ यू कैंट कम अप टू टाइम यह तुम समय पर नहीं आ सकते हो। वी हैव पुट इन यंग हेराल्ड बैंक्स इन योर प्लेस हम युवा हेराल्ड बैंक्स को तुम्हारे स्थान पर रख लिए हैं। फॉर्चुनेटली सौभाग्यवश ही इज पुटिंग सम गुड बॉल्स तो ही इज पुटिंग सम गुड बॉल्स ओवर वह कुछ अच्छे गेंदबाजी कर रहा है। एलन बिट हिज लिप एलन अपने ओठ को काटा हाउ कुड ही एक्सप्लेन वह कैसे व्याख्या कर सकता था। ही टर्न्ड अवे वह घर की ओर मुड़ा एंड
ही टर्न्ड अवे, वह मुड़ गया एंड मेड हिज वे स्लोली होम, और धीरे धीरे घर की ओर चल दिया। हिज फादर ओपेंड द डोर, उसके पिताजी दरवाजा खोले। ब्रेव एलन, शाबाश एलन, ही सेड, वह कहे, पैटिंग हिज लिटिल सन ऑन द बैक, उस अपने बेटे के पीठ को थपथपाते हुए कहे, शाबाश एलन। बट डैडी, लेकिन पिताजी, बिगेन एलन, एलन ने कहना शुरू कर दिया। बट हिज फादर इंटरप्टेड हिम, लेकिन उसके पिताजी इंटरप्टेड कर दिए, रोक दिए, लेकिन उसके पिताजी रोक दिए। इट्स ऑल राइट ओल्ड मैन, ठीक है, बूढ़े आदमी को मदद की। वो ही सेड, वह कहे, यू सी, तुम देखते हो, आई केम अप बिहाइंड, मैं पीछे पीछे आया था, दैट पुलिसमैन, उस सिपाही के पीछे, मतलब मैं उस सिपाही के पीछे पीछे मैं भी आ रहा था। एंड ही टोल्ड मी, और वह मुझे बताए, व्हाट हैड हैपेंड, क्या क्या हुआ था। तो सो आई न्यू यू, इसलिए मैं जान गया, यू वर प्लेइंग द गेम, तुम गेम खेल रहे हो, ऑल्दो इट वजेंट ऑन द क्रिकेट पिच, और तुम क्रिकेट पिच पर नहीं थे, तुम क्रिकेट पिच पर नहीं थे। सो आई वेंट बैक टू द मार्केट प्लेस, इसीलिए मैं मार्केट प्लेस वापस गया एंड बॉट द बाइसाइकिल, और साइकिल को खरीद लिया। आई प्रोमिस्ड यू, मैंने तुमसे वादा किया था, इट्स ए ब्यूटी, ये अच्छी बात है, एंड एलन, और एलन, वी आर प्राउड ऑफ यू, हम लोगों को तुम पर गर्व है, योर मदर एंड आई, तुम्हारे मम्मी को और मुझे भी। एलन इन द क्लास रूम, एलन कच कमरे में, नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले सुबह कच कमरे में एलन। द बॉयज गेव, लड़कों ने दिया, एलन थ्री लाउड चीयर्स, तीन जोर की खुशियाँ। एज ओनली स्कूल बॉयज कैन, जो केवल स्कूल के लड़के ही कर सकते हैं। फॉर द सम मिस्ट्रियस फैशन, कुछ रहस्यमय प्रचलन में। दे टू हैड लर्नड, जो कि वे सीखे थे, ऑल अबाउट हिज काइंड एक्ट, उसके दयालुता के बारे में, जो उसके दयालुता के बारे में सीखे थे, उस रहस्यमय प्रचलन के साथ वो सब स्कूल में खुशियाँ दिए। तो धन्यवाद, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।